श्री भूपेंद्र यादव। सम्मान्य उपसभापति महोदय, अभी मैं सुन रहा था, सदन में कहा जा रहा था कि ये सरकार आंकड़ों की उपलब्धियों पे इस तरीके से उत्सव मनाती है जैसे कोई सूखे के बाद छोटी बारिश आई हो। सच है कि 10 साल में यूपीए के कार्यकाल में सूखा ही नहीं विपदा का समय था, और वो विपदा थी पॉलिसी पैरालिसिस की, वो विपदा थी नेतृत्व अनिर्णय की, वो विपदा थी भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज की। और उस विपदा को इस देश ने झेला है कि आज तक ये देश जो एनपीए के बोझ में गया है उसका अगर कोई परिणाम है तो 10 साल का वो विपदा का काल है। सभापति महोदय, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा, इस बात को तय करना चाहिए कि लोगों ने बैंकों से लोन लिया, लोग बैंकों से लोन लेकर के इस देश की अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचाते रहे। 1960 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि देश में दिवालिया कानून बताओ, आप बताओ कि 1960 से 2016 तक इस देश में बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का लॉ क्यों नहीं बना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब हम पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देश के लिए जब सही समय पर निर्णय लेने लिए जाने थे वो निर्णय लिए नहीं गए। आप मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा में तो आपकी सरकार के समय में कैग का पूरा डॉक्यूमेंट है, सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार था, 100 दिनों का जो रोजगार था वो 20 और 30% से ऊपर नहीं गया था। हमारी सरकार ने आने के बाद 100 दिनों के रोजगार की निश्चितता करी, लेकिन ये रोजगार मजदूर को कैसे मिलेगा? ये रोजगार मजदूर को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मिले, उस ट्रांसपेरेंट तरीके के लिए जब हम आधार कानून लेकर के आए कि गरीब के खाते में उसका पैसा आए, तो विरोध किसने किया? ये मनरेगा का पैसा गरीब के खाते में पहुंचे, इस आधार कानून का विरोध किसने किया? और इसलिए आधार कानून तो हमने यहां पास किया, आधार कानून यहां पास किया, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनर्स के नाम भी पढ़ लीजिए, आप नाम पढ़ लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस सदन में। और इसलिए अच्छे भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई तीन बातें जो हमारी सरकार ने आने के बाद करी है, क्योंकि ये विषय राज्य की अर्थव्यवस्था, निवेश के वातावरण और रोजगार सृजन पर चल रही है, और तीन प्राथमिकताएं हमारी सरकार ने आने के बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में करी है। हम लोगों ने एक निर्णायक नेतृत्व के साथ गरीबों के हितों में देश के आम आदमी तक पारदर्शी तरीके से संसाधन पहुंचे उसके लिए पॉलिसी के लिए बड़े निर्णय लिए। सरकार ने जो पॉलिसी से जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उसके कुछ आंकड़े मेरे पास है, मैं भी सदन के साथ शेयर करना चाहूंगा। और पॉलिसी पैरालिसिस से इस देश को निकाल के, जो नीति की एक अनिर्णयता का दौर था उससे निकालकर इस देश को विकास के मार्ग पर ले जाने का काम ये 3 सालों में सरकार ने किया है। भारत की अर्थव्यवस्था आज व्यापार के क्षेत्र में, औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में, व्यवसाय की मजबूती में और उपभोक्ता के विश्वास में, इन चारों स्तर में अर्थव्यवस्था ने न केवल एक मुकाम हासिल किया है, लोगों का एक विश्वास भी हासिल किया है। और जितने भी 3 साल में इस सारे विषयों पे जब जनादेश का विषय हुआ तो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। देश का जनमत यह जानता था कि ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं देश के गरीब आदमी के हित में लिए जा रहे हैं। हम गए थे नोटबंदी के विषय को लेकर के और इसी सदन में भाषण दिया गया था, उसके बाद परिणाम क्या आया उत्तर प्रदेश का? हम जीएसटी के विषय को लेकर के बहुत ईमानदारी के साथ इस देश में जो एक नया सहकारी संघवाद, प्रगतिशील संघवाद था, उस विषय को लेकर के गए, परिणाम भाजपा के पक्ष में आया, क्योंकि सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व में देश की जनता का भरोसा बढ़ा है। ये कहा जा रहा है
ही देश का कि ये कहा जा रहा है कि देश के अर्थव्यवस्था के संबंध में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ना भूपेंद्र जी देश यू स्पीक भूपेंद्र यादव जी यू स्पीक सभापति महोदय वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कहा गया है और जो अनुमान भी किया गया है कि भारत 2017 में 6.7% और 2018 में 7.4% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, जो चाइना की तुलना में चाइना की ग्रोथ केवल 6.5% रहने वाली है। अर्थव्यवस्था के आकार के विषय को लेकर आनंद शर्मा जी कह रहे थे, लेकिन अर्थव्यवस्था की तीव्रता एक लोकतांत्रिक देश में 125 करोड़ लोगों के विश्वास को लेते हुए रिफॉर्म करते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, जिसके कारण देश आगे बढ़ा है। दूसरा विषय, किस वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जब अंतर्राष्ट्रीय मानकों में हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में सकारात्मक बातें कही जा रही है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कॉन्फिडेंस है उसको भी कुछ आंकड़ों के माध्यम से हमको देखना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से जो ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी जो इंडेक्स है, उसमें भारत 2017-18 में 137 देशों में 40वें स्थान पे, जो कि 2015-16 की तुलना में 140 देशों में 55वें स्थान पे था। आज हमने उसमें रैंकिंग को बढ़ाया है। और इतना ही नहीं, मैंने कहा है कि 3 सालों में सरकार ने जो रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए हैं, सरकार ने जो निर्णायकता ली है, सरकार ने जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक प्रकार से अंकुश लगाकर गरीबों के हित में साफ सुथरी सरकार देने की बात की है, उसी का परिणाम है कि आज दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक साथ 30 पायदान ऊपर करके भारत 30 पायदान ऊपर गया है। ये सरकार की पॉलिसी और ये दुनिया के भारत की अर्थव्यवस्था में भरोसे को बताता। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में एफडीआई का जो फ्लो है वो पिछले 3 सालों में नहीं, पिछली सरकार की तुलना में भी देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज्यादा हुआ है। और 2016-17 में 60.2 बिलियन यूएस डॉलर, और उसका कारण है कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने का कारण है कि सरकार के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, उसके कारण आज देश की अर्थव्यवस्था ने एक मजबूती प्रदान की है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना ही नहीं, भारत में जो विकास हो रहा है वो एक मजबूती के साथ हम लोग विकास के मार्ग पे आगे बढ़े हैं। और ये सरकार की उपलब्धि है कि जीएसटी जब से 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, इतना बड़ा निर्णय देश में हुआ है। और ये सही था कि अगर पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि राज्य और केंद्र सरकार एक साथ आकर एक नई व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं, तो देश का केंद्रीय कक्ष उसका साक्षी बनना चाहिए, क्योंकि ये भारत के आर्थिक परिवर्तन का बहुत बड़ा संकल्प था। और उसी संकल्प का यह परिणाम है कि जीएसटी काउंसिल में आज तक जितने निर्णय हुए हैं वो कंसेंसस के माध्यम से हुए हैं। टैक्स रिफॉर्म के क्षेत्र में देश काफी आगे बढ़ा है, और टैक्स रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ते हुए देश में जीएसटी काउंसिल के कारण जब वातावरण बढ़ा है, वहीं भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मार्च 2017 में 317 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, मार्च 2016 में 307 बिलियन था। आज रिजर्व बैलेंस से देश में एक अच्छा वातावरण बना है, औद्योगिक विकास संरचना के क्षेत्र को मजबूती मिली है। और इसलिए जीएसटी के विषय को लेकर सरकार के बजट में प्राथमिकता के विषयों को तय करके देश में हाउसिंग सेक्टर में जो सरकार ने नया विनिवेश खड़ा किया है,
हाईवे निर्माण के सेक्टर में जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय लेकर देश के आधारभूत संरचना को हाईवे सेक्टर के साथ साथ कोस्टल कनेक्टिविटी क्षेत्र को बढ़ाया है और औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा ऋण का वितरण किया है, वह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और सुगमता के लिए काफी अच्छे मापदंड सिद्ध हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की रोजगार वृद्धि के बारे में जब बात की जाती है तो हमारे सरकार के आने के बाद सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में NSSO के इंडेक्स के साथ ही साथ सरकार ने क्वार्टरली जो इंडेक्स है वो भी देना शुरू किया है। और रोजगार में मुख्य रूप से जो 8 क्षेत्र हैं, जिन 8 क्षेत्रों को मानक माना जा सकता है कि आज रोजगार इन क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, ट्रेड सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट का सेक्टर हो, IT और BPO का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो और हेल्थ का सेक्टर हो, अगर जहां एस्टिमेटेड अगर आंकड़े आप देखेंगे, इन सब के आंकड़े अगर क्वार्टरली आंकड़े देखेंगे तो इसमें रोजगार के बढ़ने की संभावना बड़ी है। और मैं सदन के पटल पे भी इन आंकड़ों को रखना चाहता हूं ताकि इसके बारे में किसी भी प्रकार की, ये सारे आंकड़े भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के आंकड़े हैं, सरकार ने एक नए तरीके से जो गणना शुरू करी है, ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं आज इन 8 सेक्टर्स में रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। और जहां तक इनफॉर्मल सेक्टर में है, हाँ, हमारी सरकार ने आने के बाद निश्चित रूप से इस बात को जाना कि मनरेगा का जो पैसा है उस मनरेगा के पैसे के साथ देश के ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई और जल संचयन के साथ मनरेगा को जोड़ना चाहिए। और सरकार ने आने के बाद मनरेगा के क्षेत्र में पैसे को ज्यादा निवेश किया और ज्यादा रोजगारों का ग्रामीण क्षेत्रों में भी सृजन किया। लेकिन मनरेगा के साथ साथ हमारी सरकार ने 3 साल आने के बाद मनरेगा, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मेक इन इंडिया, मुद्रा जैसे महत्वपूर्ण विषयों जैसे योजनाओं को करके देश में जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो रोजगार चाहिए था उस रोजगार को बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए रोजगार इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ा विषय इस सरकार का है। और सरकार अपने सारे सुधार के विषयों के साथ रोजगार को आगे बढ़ाने के विषयों के साथ आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आज वैश्विक क्षेत्रों में भारत की अर्थव्यवस्था में एक विश्वास बढ़ा है। और इस बढ़े हुए विश्वास के वातावरण में सरकार लोगों के हितों में, गरीबों के हितों में आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि जब हम ये चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर हम लोगों को जनधन खाते खोलें तो गरीबों के खाते खोलने पर आलोचना होती है, आधार जैसे कानून को लाए तो गरीबों को उनके अधिकार देने पर आलोचना होती है, OBC को कमीशन दे, OBC के लिए बात करें तो OBC को उनके अधिकार देने में रोड़े अटकाए जाते हैं, इतना ही नहीं जब मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो उनके भी रोड़े अटकाने का काम किया जाता है, अर्थव्यवस्था में तो रोकने का ही काम किया जाता है। ये इस प्रकार की नीति से देश नहीं चल सकता है। देश को चलाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण चाहिए, देश को चलाने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, देश को चलाने के लिए देश के गरीबों के हित में साहसिक निर्णय लेने का साहस चाहिए और वो साहस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। और इसलिए आज ये सरकार के माध्यम से और इस डिस्कशन के माध्यम से मैं ये आह्वान करता हूं कि जो निर्णय और जो प्रक्रियाएं आज इस देश में प्रारंभ हुई और जिसके कारण आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर के भारत की रैंकिंग से लेकर के भारत के बिजनेस प्लान से लेकर जो विश्वास बढ़ा है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है, इन सब संस्थागत सुधारों को आज आगे बढ़ाते हुए सरकार जिस संकल्प के साथ चल रही है उसका वातावरण पूरे देश में खड़ा हो ताकि ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, शक्तिशाली देश बने, हर व्यक्ति को मकान और हर व्यक्ति के संकल्प को 2022 के संकल्प को पूरा करते हुए इस देश के हर नागरिक का विकास कर सके, ऐसी भावना देश के अंदर बने। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच श्री भूपेंद्र यादव। थैंक यू।